Hello everyone and welcome to my channel Love Green. So as you all can see, today's our topic is all about Sedum adolphi. तो सीडम अडोल्फी के बारे में आज हम सभी पूरी तरीके से इसकी केयर टिप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे, इसकी ग्रोथ, प्रोपोगेशन, फर्टिलाइज़र, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर हम बात करें सीडम अडोल्फी के बारे में, तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट सकलेंट है और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली सकलेंट है। ये जो प्लांटर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा मदर प्लांट है और इसी से मैंने इन सभी को मल्टीप्लाई किया है। इसी प्लांटर से मैंने लीफ प्रोपोगेशन भी किए हैं और स्टेम बी हेडिंग के द्वारा भी इन सभी को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोगेशन। हम इसे दो तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, आइदर वाया स्टेम बी हेडिंग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ स्टेम को कट करके देख पा रहे हैं आप, और जहाँ से आपने कट किया उसी के लिटरली ये न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, देखिए। और इसका जो हेड पार्ट है उसे मैंने अलग से दूसरे प्लांटर में, जो कि कॉर्नर में साइड में आपको देख रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में, मैंने उसमें उसे प्रोपोगेट किया है। दूसरा मेथड होता है हमारा लीफ प्रोपोगेशन। लीफ से हम बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा लीफ ट्रे है, इसमें मैंने ये सभी सीडम अडोल्फी को प्रोपोगेट किया है। इसमें से एक ये जो आपको अलग से दिख रहा है वो फ्रेडाइव है, ये हमारा फ्रेडाइव का है प्रोपोगेशन, और बाकी सभी हमारे सीडम अडोल्फीज हैं। और ये इस तरीके से जो लीव्स हो जाए गाइस, ये न्यू शूट्स बर्ड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी लीव्स लें प्रोपोगेशन के लिए, जो कि मेजरली हमारे जो सकलेंट होते हैं उसके सबसे जो लास्ट नीचे की लीव्स होती हैं वो होती हैं। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है सॉइल मिक्स। किस तरीके का सॉइल मिक्स हमें बनाना चाहिए सीडम अडोल्फी सकलेंट्स के बारे में, जैसा कि हम सभी हमारे वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में कि सकलेंट के लिए सॉइल मिक्स होना चाहिए लूज, पोरस और ग्रेटी सॉइल मिक्स। गाइज, आप 50% जो हमारा ग्रेटी मटेरियल्स होते हैं कंकड़ पत्थर, आप वो लीजिए उसमें। फिर आप 20-30% आप कोर्स रिवर सैंड उसे आप ऐड करिए, और जो हमारा रेस्ट 10% है उसे हम गार्डन सॉइल को हम ऐड करेंगे। गाइज़, अगर आपके पास सिंडार है तो आप सिंडार भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है हमारे सकलेंट्स के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटरिंग। वाटरिंग हमें तभी करना है जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। हमें सोक एंड ड्राई मेथड यूज़ करना है। मीन्स आप अपने प्लांटर को वाटरिंग करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि इसकी जो सॉइल है वो कम्प्लीटली ड्राई हुई है या नहीं हुई है। गाइज, अगर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है लोकेशन और सनलाइट, इसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीडम अडोल्फी होता है ये बहुत ही हार्डी सकलेंट होता है, और साथ ही आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके का बॉन्साई जैसा क्रिएट करने की कोशिश की है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका शेप ऐसे रोजेट और लीव्स ऐसे कॉम्पैक्टेड रहें जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इसे ब्राइट डायरेक्ट मॉर्निंग एटलीस्ट 6 आवर्स की आपको सनलाइट इसे देना बहुत ही ज़रूरी है। If you place them in a shaded area for a very long time, their leaves get stretched and your succulent gets etiolated. मतलब अगर आपने इसे बहुत लंबे समय तक ऐसे शेडेड एरिया में रखा जहाँ सनलाइट नहीं आती है, या फिल्टर्ड सनलाइट भी आती है, मैं डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रही हूँ, हमें डायरेक्ट सनलाइट देना है, अगर फिल्टर्ड सनलाइट भी आती है तो भी इसमें ईटोलेशन के चांसेस होते हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये मीन्स आपको इंटरनोड्स बहुत ज़्यादा दूर दूर दिखाई देंगे, क्लोजली नहीं दिखाई देंगे। इसलिए हमें इसे ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट देना है एटलीस्ट 6-7 आवर्स मॉर्निंग। और ये जो आप हमारा पॉट देखने, देखिए मैंने इसमें ये कटिंग्स ग्रो की है। देखिए हमारा जो सॉइल मीडियम है कितना लूज और पोरस है, और इसमें ये देखिए फ्रेश रूट्स हैं। तो बहुत ही आसान होता है इसका प्रोपोगेशन गाइस। अगर आप बिगिनर हैं तो सीडम अडोल्फी तो ज़रूर ही लाइए। और अगर हम इसमें पेस्ट की बात करें तो अभी तक मैंने कोई भी पेस्ट का इन्फेक्शन ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, मगर हाँ अगर मिली बग्स का अटैक हो तो आप सिनेमन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आप अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप NPK इन द रेशियो 20-20-20 यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ मंथ इन अ वेरी वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म। बट गाइस, आई रिकमेंड यू टू यूज़ लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म।
हमारा जो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप उसे बहुत ही आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर सकते हैं। गाइस, इफ़ यू एवर एक्सपीरियंस फंगल इन्फेस्टेशन इन योर सर्कलेंट्स, यू कैन यूज़ फंजीसाइड्स इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म एंड स्प्रे दैम ड्यूरिंग इवनिंग। गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी के सवाल जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।